ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिवार का 20 साल का, जी हाँ 20 साल का युवक जो है उसकी मौत हो जाती है और परिवार जो है रोता बिलखता हुआ दिखाई दे रहा है। दनियालपुर के रहने वाले ये लोग हैं करनाल के महावीर दल की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर काफी लोग बेहोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस की टीमें भी यहां पर मौजूद और काफी लोग जो है बेहोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के ये लोग हैं और तस्वीरें हैं अस्पताल महावीर दल अस्पताल की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हंगामा होता हुआ दिखाई दिया और एक युवक जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, शव को फिलहाल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में ले जाया जा रहा है। दनियालपुर के रहने वाले ये लोग हैं और किस प्रकार से 20 वर्ष जो है इस युवक की उम्र बताई जा रही है। आरोप डॉक्टर पर लगते हुए जरूर नज़र आ रही हैं। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। आपने देखा किस प्रकार से अस्पताल में हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा था और किस प्रकार से डॉक्टर के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगते हुए भी जरूर दिखाई दिए। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। फिलहाल शव को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज 24। हमारे साथ मौजूद है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या जानकारी मिली? काफी हंगामा देखा गया सर, एडमिट हुआ था और इसका आज MRI भी करवा के आए थे, कल ये कल्पना चावला में से यहाँ लेके आए थे और इसकी डेथ हो गई है और परिवार वालों का आरोप है कि भाई डॉक्टर की लापरवाही से डेथ हुई है। तो इनको बता दिया गया भाई आप उसकी लिखित में कंप्लेंट दें, उस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे डॉक्टर के खिलाफ। तो पोस्टमार्टम हुआ सर? पोस्टमार्टम की अभी मना कर रहे हैं। तो सर यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है, समझा दिए गए परिवार को? वो तो देखो किसी का बच्चा एक्सपायर होता है तो थोड़ी उसकी भावनाएं वो निकलती है। हंगामा ही ना कुछ नहीं करा, ना किसी से मारपिटाई करी है, ना कुछ और कुछ करा है जी, जी। और बिल्कुल शांत है। रोना तो देखो रोने तक है जिसके परिवार का जवान बच्चा चला गया जी। और सर दिक्कत क्या थी इनको? बुखार कर रहे थे, घर वाले तो बुखार कर रहे हैं। क्या बुखार? गले में कोई दिक्कत बता रहे थे? गले में कोई दिक्कत आ रही थी, बीमारी का तो पता नहीं क्या बीमारी थी। फिलहाल अब शव ले गए यहाँ से गांव में। हाँ गांव में तो शव को फिलहाल जो है गांव में ले गए हैं, पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया है ऐसी जानकारी मिली है। तो आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। सिटी थाना SHO ने इस बाबत जानकारी दी है। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। ये देखिए किस प्रकार से जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोते बिलखते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस प्रकार से जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोते बिलखते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। मेरे बच्चे का दवाई नहीं दी, लिखा भी नहीं लाया, माँ का आया दादा खा लिया मैं, दादी किसी लेकर आई थी बता, मैंने नहीं मेरा था दो दो की लाश कर दी अस्पताल में, पहला मेरे देवर का खा लिया था, मेरा खा लिया सत्ता नहीं आया। ये देखिए परिवार किस प्रकार से आप देख सकते हैं, जांच के अनुसार बुखार हुआ था और उसके बाद जो है मौत हो जाती है ऐसे पुलिस ने जानकारी दी है। आप देख सकते हैं काफी लोग जो है परिवार के मूर्छित हो गए हैं। परिवार वालों की माने तो साफ डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं कुंजपुरा रोड की तस्वीरें हैं, काफी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। जी हाँ काफी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। भारी पुलिस बल ये देख सकते हैं आप, भारी पुलिस बल यहाँ पर देखा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं महावीर दल की ये तस्वीरें हैं और स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी है। जी हाँ स्थिति काफी
तनावपूर्ण हो चुकी है। और ये देखिए काफी लोग जो परिजन हैं खासतौर से वो कहीं ना कहीं बेहोश होते हुए नजर आए, और आप ये साफ तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की काफी यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। काफी तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त यहाँ पर देखी जा रही है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। अपडेट आपको देते रहेंगे। आप इस तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।